हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता, हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था आर्चेस एंड लिंटेल। ठीक है, तो इसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका चौथा पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो चौथे पार्ट में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेस में अगर हम बात करें, जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्कमैनशिप। जो मटेरियल हम यूज करते हैं आर्चेस के लिए उसके बेसिस पे, और उसकी जो वर्कमैनशिप है उसके बेसिस पे। दूसरी हमारे पास है शेप ऑफ द कर्व, जो कर्व की शेप है और उसके बेसिस पे हम इसको करते हैं। कर्व जो फॉर्म होती है बाय द सॉफिट एंड इंट्रोडोस, जो सॉफिट और इंट्रोडोस की जो कर्व फॉर्म होती है उसके बेसिस पे हम इसको आर्चेस को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। तो मटेरियल और वर्कमैनशिप के बेसिस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये हमारे पास है ब्रिक आर्चेस है। ब्रिक आर्चेस में हमारे पास रफ ब्रिक आर्चेस है, देन एक्स्ट ब्रिक आर्चेस है, देन नेक्स्ट हमारे पास गाज ब्रिक आर्चेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोन आर्चेस में, हमारे पास है रबल आर्चेस, अश्लर आर्चेस। नेक्स्ट हमारे पास है गाज आर्चेस में, हमारे पास है प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्चेस, मोनोलिथिक कंक्रीट आर्चेस। ठीक है, तो ये हमारे पास है सारी जो थी आर्चेस की टाइप्स ऑन द बेस ऑफ मटेरियल एंड वर्कमैनशिप। तो हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो ए है, हमारे पास रफ ब्रिक आर्चेस। ठीक है, रफ ब्रिक आर्चेस की अगर हम बात करें, दीज आर्चेस आर बिल्ट विद ऑर्डिनरी ब्रिक्स। ठीक है, तो ये जो आर्चेस हैं रफ ब्रिक आर्चेस, इनको हम ऑर्डिनरी ब्रिक वर्क से तैयार करते हैं, विच आर नॉट इन वेज शेप। ठीक है, जो ऑर्डिनरी ब्रिक वर्क होती हैं जो वेज शेप की नहीं होती, ठीक है, जिनकी वेज शेप नहीं होती है, ऑल्सो नोन एज रिलीविंग आर्चेस। ठीक है, इसको हम रिलीविंग आर्चेस भी बोलते हैं, रिलीविंग आर्चेस मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रिक। तो ये जो बनी होती हैं रेक्टेंगुलर ब्रिक्स की बनी होती हैं। ठीक है, ये जो आर्च है रेक्टेंगुलर ब्रिक्स की बनी होती हैं, दैट आर नॉट कट इन टू वेज शेप। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्रिक्स होती हैं, इनको वेज शेप में कट नहीं किया जाता। कर्वेचर आर ऑब्टेन बाय मोर्टार, तो जो कर्वेचर है इसको मोर्टार से हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे मतलब इसको कर्व देनी है, तो ब्रिक्स जो है कर्व तो नहीं है, तो इसको कर्व कैसे दी जाती है, मोर्टार फिल करके। मान लो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मोर्टार की लेयर जो थोड़ी सी पतली होगी, इस साइड थोड़ी सी मोटी लेयर होगी, इससे क्या होगा, इसको एक कर्व मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्च है रफ ब्रिक आर्च। ठीक है, रफ ब्रिक आर्च है ये हमारे पास जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपने देख लिया, अबुटमेंट बोलते हैं इनको। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास है एक्स्ट ब्रिक आर्चेस। ठीक है, तो एक्स ब्रिक आर्चेस क्या होती हैं, ब्रिक्स आर कट टू वेज शेप। ठीक है, तो इसमें जो ब्रिक्स हैं उसको वेज शेप में कट किया जाता है। जो हमने पीछे देखी जो आज की टाइप, उसमें हम ब्रिक को कट नहीं करते थे वेज शेप में, नॉर्मल शेप होती थी ब्रिक की। इसमें हम ब्रिक को कट करते हैं वेज शेप में। ठीक है, वेज शेप में कट करते हैं, ये वेज शेप में ब्रिक्स कट की है। ज्वाइंट्स ऑफ आर्चेस आर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, जो ज्वाइंट्स होते हैं इसमें आर्चेस के, उसकी जो थिकनेस होती है वो यूनिफॉर्म होती है। देखो जैसे ये ज्वाइंट है, इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है। नॉट ड्रेस फाइनली सो इट डज नॉट गिव मच अट्रैक्टिव अपीयरेंस। ठीक है, तो अगर ये जो हम बात करें, ये प्रॉपरली ड्रेस नहीं होता हमारे पास ये आर्चेस, इसलिए इसका जो अपीरेंस है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। ठीक है, देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है गाज्ड ब्रिक आर्चेस। गाज्ड ब्रिक आर्चेस की अगर हम बात करें, एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड टू वेज शेप। ठीक है, इसको एक्यूरेटली वेज शेप में तैयार किया जाता है, एक्यूरेटली इसकी वेज शेप बनाई जाती है। स्पेशली शेप्ड ब्रिक्स नोन एज रबर ब्रिक्स आर यूज। तो स्पेशली शेप्ड ब्रिक्स हम यूज करते हैं इसमें, दैट मीन्स रबर ब्रिक्स हम इसमें यूज करते हैं। द लाइम पुट इज यूज फॉर द बाइंडिंग द ब्लॉक्स। ठीक है, इसमें जो बाइंडिंग के लिए हम यूज करते हैं वो लाइम पुटी का यूज करते हैं बाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ इसका डायग्राम दिखेगा आपको। ये हमारे पास है अनकट ब्रिक्स विद वेज शेप्ड मोर्टार जॉइंट्स, ब्रिक्स कट टू ए वेज शेप एंड मोर्टार जॉइंट्स ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस।
नेक्स्ट हमारे पास है रबल आर्चेस। अगर रबल आर्चेस की अगर हम बात करें, मेड ऑफ रबल स्टोन, ठीक है, ये रबल स्टोन से बनी होती है आर्चेस। अब रबल आर्चेस की बात हो रही, देखते हैं रबल स्टोन इसमें यूज हो रहा है। रफली टू द शेप, ठीक है, रफली टू द शेप साइज ऑफ विश्योर ऑफ आर्च एंड फिक्स इन ए सीमेंट मोटर, ठीक है, सीमेंट मोटर में इसको फिक्स किया जाता है। दीज आर्चेस आर यूज फॉर स्मॉल स्पेन अप टू 1 मीटर, ठीक है। तो इसका जो यूज होता है हमारे पास स्मॉल स्पेन्स के लिए हम इसका यूज करते हैं, अप टू 1 मीटर स्पेन होगा तो इनका हम यूज करते हैं रबल आर्चेस का, ठीक है। ये आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है अश्लर आर्चेस। अश्लर आर्चेस की अगर हम बात करें, स्टोन्स आर कट टू प्रॉपर शेप ऑफ वीसियर एंड आर फुली डेस्ट, ठीक है। इसमें जो स्टोन है उसको कट किया जाता है प्रॉपर शेप में, इसको प्रॉपर शेप दी जाती है, ठीक है। एंड फुली ड्रेस्ड, ये जो स्टोन है ये फुली ड्रेस्ड होते हैं, मतलब अच्छे तरीके से इनको बनाया जाता है। प्रॉपरली जॉइंट्स विद सीमेंट और लाइम, ठीक है, जो इसमें जॉइंट्स हम तैयार करते हैं वो सीमेंट मोर्टार से या फिर लाइम मोर्टार से ही फिल करते हैं ये जॉइंट्स। वीएसएल मेड ऑफ फुल थिकनेस ऑफ आर्च, जो वीएसएल होते हैं वो जो आर्च की फुल थिकनेस है उससे इसको तैयार किया जाता है, फुल थिकनेस ऑफ आर्च से। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, हमारे पास है प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्चेस। प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्चेस की अगर हम बात करें, तो ये पहले से ही कंक्रीट ब्लॉक हम आर्च की शेप के कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो हम देख लेते हैं, यूज फॉर स्मॉल ओपनिंग्स इन बिल्डिंग। अगर स्मॉल ओपनिंग्स हैं बिल्डिंग्स की, वहां पे इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द वियर सेल्स इन द फॉर्म ऑफ सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स आर प्रिपेयर्ड इन स्पेशल मोल्ड्स, ठीक है। इसके लिए स्पेशल मोल्ड होते हैं जिसमें ये तैयार होता है। जनरली द कंक्रीट ब्लॉक्स आर यूज्ड विदाउट रिइंफोर्समेंट, तो इसमें जनरली जो कंक्रीट ब्लॉक्स है उसको रिइंफोर्समेंट डालने के बगैर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोलिथिक कंक्रीट आर्चेस। अगर हम बात हम करें मोनोलिथिक कंक्रीट आर्चेस की, वो हमारे पास क्या होती है, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कास्ट इन सीटू कंक्रीट, ठीक है। तो इसको कास्ट इन सीटू कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कास्ट इन सीटू का मतलब हो गया साइड पे ही इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आइदर प्लेन आर रिइंफोर्स्ड, आइदर ये प्लेन भी हो सकती है, मतलब इसमें रिइंफोर्समेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पैन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द लोडिंग। तो वो किस पे डिपेंड करता है, स्पैन पे डिपेंड करता है, और लोड का जो मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करता है कि हमने रिइंफोर्समेंट डालनी है या नहीं डालनी है। क्वाइट सुटेबल फॉर लार्ज स्पैन, ठीक है, तो लार्ज स्पैन के लिए ये क्वाइट सुटेबल है हमारे पास मोनोलिथिक कंक्रीट आर्चेस। दैट मीन 3 अप टू 3 मीटर के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं जो ये आर्चेस है, मोनोलिथिक आर्चेस। द क्यूरिंग इज डन 2 to 4 weeks, ठीक है, 2 से 4 वीक इसकी क्यूरिंग करते हैं हम। क्यूरिंग का मतलब होता है पानी देना सीमेंट को, मतलब ड्राई करनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द शेप, ठीक है। शेप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो आर्चेस हैं वो कौन कौन से टाइप की है हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्लैट आर्च, दूसरी हमारे पास है सेगमेंटल आर्च, तीसरी हमारे पास है सेमी सर्कुलर आर्च, चौथी हमारे पास है रिलीविंग आर्च एंड पांचवी हमारे पास है डच आर्च। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक कॉमेंट share and subscribe my YouTube channel.